फरमाओ शाह जी, कैसे दिन गुजरे? मिर्ज़ा ताहिर हुसैन ने वापस आते ही इस्माइल को बुलवा लिया था। बहुत बेहतर सर, इस्माइल का लहजा मुअद्दबाना था, मगर उसमें छुपे गुज़िश्ता 3-4 रातों के भेद ने उसे कोई अजीब रंग दे दिया था। शहज़ादी ने तंग तो नहीं किया? नहीं तो सर, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, मिर्ज़ा की अच्छा खासी मैनी खेज थी, मगर इस्माइल उसकी हकीकत से नावाकिफ था, इसलिए ध्यान ना दे सका था। बहरहाल अगर कोई बात हुई भी हो तो उसे दिल पर ना लेना, वो अल्लड़ो नादान बच्ची है और दुनियादारी से नावाकिफ है। नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ, शहज़ादी ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और आपकी कमी बिल्कुल महसूस ना होने दी। चलो ये तो अच्छा हो गया, अब बताओ सुबह ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हो? एकदम तैयार सर। इस्माइल शाह, मैं एक बात अभी से साफ कर दूं, ताकि तेरे दिल में कोई गलतफहमी पैदा ना हो, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं, भारत का दुश्मन नंबर एक, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि मैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और मुआशरे में फैली नाइंसाफ़ी से मुतफिक हूं। मेरी नज़र में ये मुआशरा इंडिया की गैर मुस्लिम हुकूमत से 1000 गुना ज़्यादा बुरा है। मैं इनकलाब का मुतमन्नी हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ जाए कि गरीब को उसका हक मिले, अदालतों में अदलो इंसाफ हो, इंसानियत की हुक्मरानी हो और वो सब कुछ हो जो एक आइडियल मुआशरे के लिए तसव्वुर किया जा सकता है। लेकिन इस मकसद के हसूल के लिए मेरी इनफरादी कोशिशें किस काम आने वाली नहीं, उसके लिए बड़े पैमाने पर मेहनत करना होगी, लोगों के जहन को हमवार करना होगा, उन्हें एहसास दिलाना होगा कि इस मुल्क के लिए इनकलाब की कितनी ज़रूरत है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि चंद इस्माइल शाहों को उनका हक दिलाने के लिए कुछ जदोजहद कर लूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ट्रेनिंग सेंटर में तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ कुछ और जवान भी हैं जो इसी माशरे के डसे हुए हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर सरहद पार है, उससे पहले हमने ये सेंटर लाहौर में बनाया था, मगर उसकी सोनगुन हुक्मरान जमात को मिल गई और मुख्तलिफ हथकंडों से इस सेंटर को तबाह कर दिया गया। मजबूरन इस काम के लिए मुझे सरहद पार जगह तलाश करनी पड़ी, उस जगह इंडिया की हुकूमत और एजेंसियों की लाइलमी है, उस जगह इंडिया की हुकूमत और एजेंसियों की लाइलमी में हमने सारा सेटअप तैयार किया हुआ है। वहाँ आप लोगों को तकरीबन 15 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वापसी पर याद रखना, आपने 3 साल हमारे लिए काम करना होगा, और उसके बाद भी अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो हम आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अगर अलहदा होना चाहें तब भी आपकी मर्जी चलेगी। हमारे लिए इतना इत्मीनान काफ़ी होगा कि हमारे साथ इत्तेफाक करने वाला एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जो वक्त पड़ने पर हमारे साथ शाना बशाना खड़ा हो सकता है। ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर एतमाद करते हुए सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मुझे आपकी सारी शराइत मंजूर हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैं इस सिलसिले में आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी दरख्वास्त भी है। क्या? ट्रेनिंग के बाद मैं सबसे पहले अपने वालदैन और बहन के कातिल से बदला लेना चाहूँगा, ये तुम्हारा हक है, और इस सिलसिले में तुम्हें जितनी भी मदद दरकार होगी उसके लिए मैं और मेरे आदमी हाजिर होंगे। थैंक्स सर, इस्माइल ममनूनियत से बोला। और कुछ नहीं सर, अब मैं इत्मीनान से ट्रेनिंग कर सकूंगा। गुड, अब जाओ आराम करो, क्योंकि तूने सुबह सवेरे रुखसत होना है। और इस्माइल सलाम करके अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उसके जाने के चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस, आ जाओ। पाशा, जो इस्माइल के कमरे से निकलने के बाद जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था, चौंक गया। दरवाजा खोलकर पार्वती अंदर दाखिल हुई। आओ पार्वती, कैसी हो? उसे देखकर पाशा उठा था। महाराज की कृपा से ठीक हूँ, वो बुझे बुझे लहजे में बोली। तुम परेशान लग रही हो, कहीं इस्माइल शाह को लाइन पर लाने में नाकामी तो नहीं हुई? कैसी बात कर रहे हो महाराज, ये हो सकता है कि हजूर की दासी किसी पर नजर अनायत करे और मुखालिफ के लिए बच निकलना मुमकिन हो, तो फिर कैसा रहा? शेर के मुंह को गोश्त और खून लग चुका है, अब शिकार नजर आने की देर है। गुड, वो तहसीन अमेज लहजे में बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर छाए परेशानी के तसरात की वजह समझने में मुझे नाकामी हो रही है। महाराज, बस एक बनती करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो, वो इश्तियाक से बोला। वो दरअसल अगर पार्वती को अपना मुद्दा जबान पर लाने में मुश्किल हो रही थी। पार्वती, खुलकर बताओ।
महाराज मम मैं चाह रही थी कि शाहजी को अगर अगले हफ्ते ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, मेरा मतलब है एक हफ्ता मजीद। मैं उसे पार्वती नजरें झुकाए अपनी धुन में बोलती गई, मगर जैसे ही उसने नज़र उठाकर मिर्ज़ा ताहिर की तरफ देखा, उसे मिर्ज़ा के तसरात देखकर आगे बोलने की जुरत ना हुई। शश, क्षमा चाहती हूँ मम, महाराज मेरा मतलब शटअप, वो गुस्से से दहाड़ा। तुम्हें कहा था उसे अपना आदि बनाओ, उल्टा तुम उस पर शीदा हो गई हो। भारत माता की बेटियां ऐसी नहीं हुआ करती, समझी? महाराज आप गलत समझे, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, वो जैसे नदामत से हाथ मरोड़ते हुए बोली। पार्वती मुझे पढ़ाने की कोशिश न करो, जाओ चली जाओ, तेरे पास आज की रात है, कल सुबह उसने हर हाल में निकल जाना है, और याद रखना ये तुम्हारे लिए पहला चांस था, अगर दोबारा ऐसा मौका दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्वती नमस्कार करती हुई थके कदमों उस कमरे से निकल आई। इस्माइल के साथ गुजारे हुए चंद दिन उसकी जिंदगी का सरमाया थे, शायद बकिया जिंदगी उसे उन्हीं ख्यालों में गुजारनी पड़ती। भारत माता के लिए एक मरतबा फिर उसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ गई थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी कार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।